अरे यार रुक जा यार, काम करने दे थोड़ा। एकदम फक दिस दिस डॉक्टर जो अपना होशियारी काम। गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये हमारा आज का सेकंड ब्लॉग है, तो इसको भी पूरा देखिएगा प्लीज, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा सेकंड ब्लॉग है प्लीज। ठीक है कर देंगे हम। तो गाइस अभी हमारी मिसेज अभी मेरे लिए टिफिन बना रही है, ये आपको दिखाता हूँ। ये अभी बहुत ही अच्छे तरीके से काट रही है। ये क्या है? ये अंडा का पनीर है। अंडा का पनीर है जो इनके लिए पनीर लगता है। बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम छोटे छोटे पीस की करना। अभी रेडी हो गया है। ये देखो काटते काटते खा रही है और खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोरी ऑफिस के मेरा टाइम हो गया है इसीलिए जल्दी जल्दी मेरे को बनाने के लिए बोल रही है और खुद खाए पड़ी है यहाँ पर। चलो आ जाओ। ये हमारा छोटा सा किचन है तो मैं अभी बनाऊंगा यहाँ पर सब्जी। रुकना हटाने दो सबको। ठीक है ओके। थोड़ा सा हमारी जो स्वीट हार्ट है अभी थोड़ा सा ये साफ कर रही है, इधर उधर गंदा है बहुत थोड़ा सा करके, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह बनाए थे तो उसमें थोड़ा गंदा हो गया था। और गैस चालू कर रही है मेरे लिए, अभी अभी मेरे को बनाने के लिए बोलेगी। तुम्हें तो बनाने वाले हो। चलो ये लो पकड़ो। मैं पकड़ना नहीं है, चावल धो के चखाना है मेरे को। अभी तो मैं वही चावल तलना पड़ेगा ना सबको। अंडा तल लो फिर मैं बता रही हूँ। ठीक है पूरा तेल सोख लेता है अंडा। ऐसे क्या तो इतने? ठीक है फिर बहुत सारा सोख लेगा, कम करो तेल। चले उतना ठीक है ना, ज्यादा नहीं होगा। बहुत तेल तेल लगेगा, वो सोख लेगा पूरा। तो क्या कम नहीं होगा ना कुछ? मैं बना रहा हूँ ना। अभी चावल बनाने के लिए। अरे यार रुक जा यार, काम करने दे थोड़ा। दिमाग खराब मत कर। बहुत ही सर्किट है सारा। ये भी हमारे तेल का नमक, पहले हम इसको बड़े को तलेंगे उसके बाद ये अंडा वाला पनीर को तलेंगे, उसके बाद मैं अच्छे से बनाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा। गाइस मैं आपको एक चीज को दिखाने ही भूल गया कि मैं कहाँ रहता हूँ, कौन सा घर है मेरा, कौन सा रूम है। ठीक है तो ये है जो छोटा सा किचन है, यहाँ वॉशिंग मशीन डाले हम लोग, ये थोड़ा यहाँ पूजा करते हैं, उसके बर्तन स्टैंड है ये, और ये सिंगल बेड है यहाँ पास तो जहाँ पर हम सोते हैं। ये फ्रिज है, अरमाली है, फिर यहाँ पर टीवी है, होम थिएटर है मेरा ये, और एक दूसरा रूम है जो वहाँ पर मेरे मम्मी और भाई सोते हैं, वो दूसरा रूम बाजू में है, और यहाँ पर बस हम दोनों ही सोते हैं। ये अंडा पनीर को फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद सोयाबीन बड़ी को फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा सब्जी बनाते हैं इसीलिए इनको बनवा रही हूँ मैं, और ये कभी कभी वीक में एक बार जरूर बनाते ही है। वीक में नहीं बेटा, हफ्ते में दो तीन बार ही होता है। हाँ दो तीन बार ही बनाते हैं। नाटक करेंगे ये भी थोड़ा सा, बस बच्चा फ्राई ना चले, बस ये अभी थोड़ा सा कड़क हो जाएगा तो उसको निकालूंगा ब्राउन टाइप से, फिर इसको फिर मैं भी सोयाबीन बड़ी भी तलना है। हो गया भाई ये सोयाबीन बड़ी। चुप एकदम फक दिस। अभी टमाटर रेडी होने वाला है, हम लोग सब्जी बनाएंगे। ये कटर जीरा और नहीं सॉरी कटर प्याज है, और अपना क्या बोलते हैं सब्जी रेडी होने के लिए। अरे हमारे मिसेज जो अभी मेरे को घूर घूर के देख रही है कैसे बनाओगे क्या करके। जो अपना होशियारी काम, प्याज पूरा डाल देगा।
बहुत ही गुस्से में एकदम पूरा लाल पीला होने जा रही थी। इसे मतलब इसको भी चलाऊंगा ठीक है। अभी टमाटर डाल के इसको अच्छे से भून देंगे। आप लोग हिम्मत समझना कि ये रेसिपी दिखा रहा ऐसा नहीं है, ये सिर्फ घर पर जो टाइम पास होता है मेरा सुबह सुबह उसका है। आज मैं वापस जाने का टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है। आज मैं यहाँ पर अभी काम कर रहा हूँ और देखो हमारी हिरन क्या कर रही है। वाह, मोबाइल चला कर फुल स्नैकर खा रही है। खाना सब्जी बनाना चाहिए मेरे लिए। ऑफिस जाने के लिए रेडी होऊंगा। टाइम हो गया 9:30 है। तो इधर देखो, इधर इसको देखो, टाइम पास कर रही है बस मोबाइल में देख के। अभी टाइम पास कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही है। मैं अच्छा, और काम कौन करेगा? तुम। मैं काम नहीं करने वाला, मैं नहाने जाऊंगा, मेरा टाइम हो गया बहुत। और मैं जाऊंगा नहाने।